बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ इंदौर की कोर्ट में 10 लाख रुपए के चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर अमीषा पटेल के खिलाफ नोटिस जारी कर 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा निशा चिपा को निशा चिपा से 10 लाख रुपए प्राप्त किए थे तथा उसके संबंध में निशा चिपा को अमीषा पटेल के द्वारा एक चेक प्रदान किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ये चेक इस तारीख पर प्रस्तुत करने पर आपको चेक का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। परंतु चेक निशा चिपा के द्वारा चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया, जिसके संबंध में हमारे द्वारा एक सूचना पत्र अमीषा पटेल को प्रेषित किया गया था, जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया। उसके पश्चात हमारे द्वारा अमीषा पटेल के विरुद्ध एक निजी परिवार श्रीमान मनीष भट्ट साहब प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर मनीष भट्ट साहब ने प्रकरण को उचित पाते हुए प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए निशा चिपा के अमीषा पटेल के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया है तथा अगली तारीख पे नहीं आने पर अमीषा पटेल के विरुद्ध वारंट जारी होने। दरअसल अमीषा पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर की एक युवती से फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे और फिर जो चेक उन्होंने दिया वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद कई बार चक्कर काटने के बाद भी पटेल ने पैसे नहीं दिए हैं, जिस पर अब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया है। इंदौर से न्यूज के लिए संजय जैन की रिपोर्ट।